गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने में क्या स्टडी किया था, जीके के 2 चैप्टर रीड किए थे। तो आज हम कौन सा चैप्टर रीड करेंगे? थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में क्या है? प्लेस अराउंड, वो जगह जो हमारे चारों तरफ हमें दिखती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेसेस अराउंड। आपने अपनी दोनों चैप्टर्स का वर्क कर लिया ना, अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है आपको वो वर्क, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाने रीड कराने वाली हूँ, प्लेस अराउंड। आपको ये भी अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट डाउन करना है, अंडरस्टैंड? तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर प्लेस अराउंड अस, यहाँ जो नीचे चित्र दिए गए हैं, ये जगह हमारे चारों तरफ रहती है। आइडेंटिफाई दीज प्लेस, इन जगहों को पहचानो एंड राइट देयर नेम बिलो द पिक्चर्स, और उन पिक्चर्स के नेम नीचे मेंशन करने हैं, नीचे आपको लिखने हैं। देखो, आप जानते हो ना ये क्या है? क्या है ये? आपके घर के आसपास भी, आप अपने घर के आसपास भी देखते हो, आपकी मम्मी भी जाती है, आपकी दादी भी जाती है ना सुबह सुबह भगवान की पूजा करने। तो हम कहाँ जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए? टेम्पल। कहाँ जाते हैं? टेम्पल में। तो टेम्पल की स्पेलिंग क्या होगी? TEMPLE, टेम्पल। समझ गए आप? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपको 3 कलर के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, 3 कलर के, ये ब्लू कलर का, ये ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का। क्या क्या चीजें ये? आप जानते हो ना, हम अपने जब किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को हम कार्ड्स भेजते हैं, तो हम कैसे भेजते हैं? पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजते हैं ना। तो ये क्या है? पोस्ट ऑफिस। इसकी स्पेलिंग क्या है? POSTOFFICE। ये क्या है? पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पे क्या है? ये सिनेमा हॉल। आप जाते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ पिक्चर मूवी देखने, नई नई मूवियाँ लगती हैं तो आप लोग जाते हो मूवी देखने। तो मूवी देखने हम कहाँ जाते हैं? सिनेमा हॉल में। स्पेलिंग क्या होगी? CINEMA, सिनेमा। HALL, हॉल, सिनेमा हॉल। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हो ना, हम अपने सेविंग कहाँ करते हैं? बैंक में। आपके पापा भी करते हैं ना सेव, तो वो हम सेविंग अपनी कहाँ रखते हैं? बैंक में। कहाँ रखते हैं? बैंक में। तो ये क्या है? बैंक की पिक्चर है। बैंक की स्पेलिंग क्या होगी? BANK, बैंक। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? मेडिकल क्लिनिक। क्लिनिक क्या होता है? हम क्लिनिक कब जाते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमें जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, बुखार होता है, तो हम किसको दिखाने जाते हैं? डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। और डॉक्टर हमें कहाँ मिलते हैं? क्लिनिक पर। कहाँ मिलते हैं? क्लिनिक। तो क्लिनिक की स्पेलिंग क्या है? CLINIC, क्लिनिक। नेक्स्ट देखिए, हम घर की ज़रूरतों का सामान खरीदते हैं, आपके लिए टॉफ़ी लाते हैं, घर के लिए हम सब्जियां खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, कुछ दालें खरीदते हैं, तो वो कहाँ से खरीदते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर से। कहाँ से खरीदते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर। तो स्पेलिंग क्या हुई? DEPART, डिपार्ट, MENTAL, मेंटल। डिपार्टमेंटल स्टोर की स्पेलिंग क्या है? STORE, स्टोर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपको दिख रहे हैं ना कितने सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? ये बस का वेट कर रहे हैं। और हम बस का वेट कहाँ करते हैं? बस स्टॉप पर। कहाँ पर खड़े होकर करते हैं? बस स्टॉप। तो बस स्टॉप की स्पेलिंग क्या है? BUSSTOP, बस स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? स्कूल है। स्कूल में आप देख रहे हो ना कितने सारे बच्चे खड़े होके, चिल्ड्रन खड़े होके क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं। तो हम असेंबली कहाँ करते हैं? स्कूल में। और ये लोग, ये तो आप जानते हैं ना कि अभी तो हमारे स्कूल बंद हैं, जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो हम स्कूल में क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे,
पढ़े स्टडी करेंगे करेंगे ना, तो वो सब हम कहाँ करते हैं, स्कूल में। स्कूल की स्पेलिंग क्या है, SCHOOL, स्कूल। अंडरस्टैंड, समझ आया आपको? नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें राइट ऑप्शन पर टिक करना है। वी प्ले इन, हम खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं, प्लेग्राउंड में या टेम्पल में? प्लेग्राउंड में। टेम्पल में तो हम पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी वॉच मूवी इन, हम मूवी देखते हैं। मूवी कहाँ देखते हैं हम, सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में देखते हैं ना। वी स्टडी इन, और हम पढ़ाई करते हैं। हम बैंक में पढ़ाई करते हैं? नहीं, हम कहाँ पढ़ाई करते हैं, स्कूल पे। सम अंडरस्टैंड, हम कहाँ पढ़ाई करते हैं, स्कूल में। तो ठीक है बच्चों, समझ आया आपको ये थर्ड चैप्टर? देखो ये थर्ड चैप्टर का जो वर्क है, ये आपको नीट और क्लीन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।